Hello and good morning everyone. You all are welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is CK Yadav again with the new video. In this video we will do the question answers of the very first chapter of English for class 4th that we have studied the true sacrifice, and it is the high time to do the question answers. Okay, so first of all we will do this question answer and then the left objectives and fillers and all. So the very first question is, why did Anush take shelter in the hollow of a tree? Why did Anush take shelter in the hollow of a tree? Anush उस वृक्ष के छिद्र में, उस वृक्ष के हॉलो में शेल्टर क्यों लेता है, उसमें वो क्यों प्रवेश करता है? जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में देखा था कि बिकॉज द टॉर्न कोट डैट ही हैड पुट ऑन वॉज नॉट सफिशियंट टू गिव हिम वार्मथ एंड ही बिगैन टू शिवर, सो ही टुक शेल्टर in the hollow that he could warm himself. क्योंकि अनुज ने जो कोट पहन रखा था वो उसके शरीर को गर्माहट देने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बारिश तो थम गई थी, परंतु बारिश हो ही रही थी उस समय, बारिश हो ही रही होती है, वो जो एक फटा हुआ कोट पहने होता है जिससे उसे गर्माहट की अनुभूति नहीं होती और उसे काफ़ी ठंडा महसूस होता है और जिसके वजह से वो कांपने लगता है, उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय उस पीपल के वृक्ष के, वो जो पीपल का वृक्ष था, वो जो पेड़ था उसके अंदर एक हॉलो बना हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें प्रवेश कर सकूँ तो शायद मैं इस जानलेवा ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ, इसलिए वो प्रवेश करता है। वही है कि बिकॉज द टॉर्न कोट डैट ही हैड पुट ऑन वॉज नॉट सफिशियंट टू गिव हिम वार्मथ, जो फटा कोट उसने पहन रखा था वो ठंड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, एंड ही बिगैन टू शिवर, और वो कांपना शुरू कर देता है। सो इसलिए ही टू सो इसलिए ही टूक शेल्टर इन द हॉलो, उस छिद्र में वो आश्रय लेता है, शेल्टर लेता है, डैट ही कुड वार्म हिमसेल्फ, ताकि अपने आप को वो वार्म कर सके, गर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फाउलर, उस बहेलिए का नाम क्या था? वेयर डिड ही लिव, वो कहां रहता था? अनुज वॉज द नेम ऑफ द फाउलर, उस बहेलिए का नाम अनुज था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट, वो एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव कहाँ व्यवस्थित थी? वो गांव एक घने जंगल के नजदीक सिचुएटेड था, व्यवस्थित था। थर्ड क्वेश्चन, Why did Anuj release the sea pigeon? अनुज ने कबूतरी को पिंजरे से आजाद क्यों किया था, क्यों रिलीज किया था? Because क्योंकि अनुज felt pity on the he pigeon, क्योंकि अनुज को कबूतर पे दया आ गया था। That he had trapped his wife, कि उसने उसकी पत्नी को trap कर लिया है, अर्थात उसे पिंजरे में कैद कर दिया है। एंड ही पिजन हैड डन गुड टू हिम, और उसका पति जो ही पिजन है अर्थात कबूतर, उसका अच्छाई किया, मतलब फाउलर का। अनु सोचता है कि मैंने इसकी वाइफ को पिंजरे में कैद कर लिया और ये जो कबूतर है, ये जो पक्षी है, ये हमारी मदद कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है। सो ही रिलीज द सी पिजन, अतः उसने सी पिजन को रिलीज कर दिया, अर्थात कबूतरी को और मुक्त कर देता है। वॉट मेड अनुज क्राई लाइक अ चाइल्ड,
वॉट डीड ही डू देन, वो कौन सा वजह था, किस वजह से अनुज बालक के भांति रोने लगता है, एंड वॉट डीड ही डू देन, और उसके बाद वो क्या करता है। तो अनुज वॉज वेरी मच शॉक्ड एट द सेक्रीफाइसेस ऑफ बर्ड्स। अनुज जो था वो काफी शॉक्ड था, काफी आश्चर्यचकित था दृश्य को देखकर। कौन से दृश्य को देखकर? वो जो सेक्रीफाइस था अर्थात कबूतर और कबूतरियों ने, उन दोनों ने जो डीड्स किए थे, जो उन्होंने अपना त्याग किया था, उस त्याग को देखकर, उस त्याग को, उस बलिदान को देखकर वो फाउलर काफी चकित हो जाता है। सो ही क्राइड लाइक अ चाइल्ड, अतः वह एक बच्चे की भांति विलाप करने लगता है, रोने लगता है कि भाई मैंने इन पक्षियों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहा था, कि मैं इन पक्षियों को पिंजरे में कैद करता था, बाजार में बेच देता था, इसको जो है कभी मार कर खा जाते थे अपने स्वाद के लिए, और ये पक्षी जो मैं मनुष्य होकर मेरा इतना बुरा कर्म है, परंतु ये पक्षी जो मनुष्य नहीं, जैसा कि मनुष्य सर्वोपरि माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी माना जाता है, वो जो है वैसा व्यवहार नहीं कर पाया, वैसा बलिदान नहीं दे पाता है जितनी बड़ी बलिदान उन पक्षियों ने दिया था। इस दृश्य को देख करके और वो अनुज जो बहेलिया है वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है और एक बच्चे की भांति रोना शुरू कर देता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सी पिजन से टू हर हस्बैंड फ्रॉम द केज, व्हाट डिड द सी पिजन से टू हर हस्बैंड फ्रॉम द केज, उस पिंजरे से सी पिजन जो है कबूतरी अपने हस्बैंड अर्थात कबूतर को क्या कहती है। तो इसका आंसर है प्लीज डू समथिंग, कुछ करो, द सी पिजन कॉल्ड आउट, सी पिजन कहती है हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को फ्रॉम द केज, केज से अर्थात पिंजरे से सी पिजन कहती है कि कुछ करो, क्या कुछ करो। उसने उस बहेलिए को खाने के लिए, उसकी गर्माहट के लिए कुछ करने को अपने पति से वो कहती है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, एंड नाउ दिस टाइम वी विल डू ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलर्स। पॉज प्लीज। सो नाउ वी विल डू MCQ ऑफ दिस चैप्टर। इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर, ऑप्शन गर्ल, नेवर, बुआ, गेस्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। ये सी पिजन ही पिजन को कहती है कि यह हमारा कर्तव्य है कि अपने अतिथियों का ख्याल रखें। टू, अनुज बीकेम डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्डली गेम, टूर, अफेयर्स, मेडिकल। अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जब वो घटना घटित होती है उस सेक्रीफाइस को देख करके वो निर्णय लेता है, वो डिसाइड करता है, वो कहता है कि मुझे आई एम डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्डली अफेयर्स। अब क्या हो जाता है उसके साथ कि वो ये संसारिक मुद्दों से वो दूर होना चाहता है, वो शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है। उस बलिदान से जो उसे सीख मिलता है उस समय वो डिसाइड करता है ऐसा। तो वर्ल्डली अफेयर्स, संसारिक मुद्दा। नाउ द थर्ड, द सी पिजन कॉल्ड आउट टू हर डैश फ्रॉम द केज। सी पिजन अर्थात कबूतरी जो है वो पिंजरे के अंदर से किसको पुकारती है, अंकल को, फादर को, ब्रदर या हस्बैंड। हस्बैंड, चूंकि बाकी तीनों का कहीं कोई चर्चा नहीं है, सी पिजन का हस्बैंड है ही पिजन। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द
करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ, इंसिडेंटली द ही पिजन ऑल्सो डैश ऑन दैट ट्री. भाग्यवश क्या होता है कि ही पिजन भी कहाँ रहता है, ऑल्सो डैश ऑन द ट्री, हैंग्ड, लीव्ड, वेंट, स्टेट, लीव्ड, उसी पेड़ पे रहता था. नाउ फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स. इज इट कमिंग क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट्स गिवन इन द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स में नंब, जो ठंड से हो जाता है नंब, सन हो जाता है उसका शरीर, ये नंब है. लाइफ, जीवन जानते हैं. सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलगाव होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे से अलग हो जाता है वो सेपरेशन कहलाता है. डैट अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन गो अवे फ्रॉम अनदर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेपरेशन. डिस्टेंस, दूरी. सो माय हस्बैंड वुड नॉट बियर माय, मेरे पति मेरे डैश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. सेपरेशन यानी मुझसे मेरी जुदाई, सेपरेशन मतलब जुदाई, मेरी जुदाई को मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ सेपरेशन आंसर हो जाएगा. सेपरेशन. नेक्स्ट, अनुज हैड हार्डली गॉन सम डैश व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. अनुज कुछ ही कहाँ गया था कि बारिश शुरू हो गया था, तो कुछ ही डिस्टेंस. चर्चा है बुक में कि अनुज हैड हार्डली गॉन सम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस. माई हैंड्स एंड फीट आर डैश विथ कोल्ड. ठंड से मेरे हाथ पैर क्या हो गए हैं, नंब, जिसको हम लोग बोलते शून्य हो गए हैं. एन यू एम बी, नंब. द इंसिडेंट डैट चेंज्ड हिज डैश फॉरएवर. वो जो इंसिडेंस हुआ उसके जीवन को हमेशा के लिए क्या कर दिया, सॉरी जीवन ही होगा, हमेशा के लिए परिवर्तन कर दिया, जीवन को परिवर्तन कर दिया. किसके, उस फाउलर अनुज के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है उस घटना के बाद. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. वन डे अनुज वेंट टू द फॉरेस्ट एंड कॉट अ सी पिजन. ये ट्रू है, वो जंगल जाता है और कबूतरी को फांस लेता है. अनुज हार्ट फिल्ड विद कंपैशन फॉर द काइंड बर्ड. उन पक्षियों के लिए अनुज का जो हृदय है वो सहानुभूतियों से भर जाता है. क्या ऐसी चर्चा हुई है, अनुज हार्ट फिल्ड विद कंपैशन फॉर द काइंड बर्ड. ये फॉल्स है, क्योंकि अगर उसमें वो कंपैशन होता तो वो पक्षियों को पकड़ने ही नहीं जाता, अर्थात ये फॉल्स है. नेक्स्ट, द सी पिजन कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड टू टेक रिवेंज ऑन अनुज. क्या सी पिजन ने अपने हस्बैंड को अनुज से रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज यानी बदला, बदला लेने के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया था कि इसने मुझे पकड़ लिया है इससे बदला लो. नहीं, ये फॉल्स है, उसने तो हेल्प करने के लिए बुलाया था, अर्थात दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. नाउ फोर्थ, अनुज वॉज अ काइंड मैन. अनुज एक दयालु व्यक्ति था. ये भी फॉल्स है, चूंकि वो दयालु नहीं था बल्कि वो काफ़ी क्रूर था. ही वॉज वेरी क्रूअल डैट ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट एंड कॉट मेनी ऑफ द बर्ड्स. सो ही वॉज नॉट काइंड, ही वॉज क्रूअल. अनुज डिसाइडेड टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर एवर एंड मेडिटेट टू वॉश ऑफ हिज साइंस. यस ट्रू है, वो घटना जब घटित होती है तो व्यक्ति सोच लेता है, वो निश्चित कर लेता है कि अब जंगल में ही रह करके मेडिटेशन करना है और अपने पश्चाताप को जो है पश्चाताप करना है, ताकि अपने पाप जो मैंने किया है उसे समाप्त किया जा सके, उसका प्रायश्चित किया जा सके.
नाउ हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टू होम, किसने किसको कहा, यानी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट शेड बाय यानी किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है और सेड टू किसको कहा गया है. सो नाउ ही इज अवर गेस्ट, ही इज डाइंग ऑफ कोल्ड एंड हंगर, ये हमारे अतिथि है, ये भूख और ठंड से मर रहे हैं. किसने कहा था? सी पिजन ने कहा था. किसने कहा था? सी पिजन ने कहा था. किससे कहा था? ही पिजन को. ही पिजन को. नाउ हाउ हैव यू कम टू दिस सिचुएशन, तुम इस सिचुएशन में कैसे आए, इस परिस्थिति में तुम कैसे आ गए, ये किसने कहा था? ही पिजन ने कहा था, अर्थात कबूतर ने कहा था. ही पिजन किसको कहा था? तो सी पिजन को कहा था. सी पिजन आई प्रॉमिस टू रिटर्न टू यू आफ्टर बाइडिंग हिम गुड बाय, किसने कहा था कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि पुनः उनको गुड बाय कहकर मैं वापस आ जाऊंगी, अलविदा कहकर मैं वापस आ जाऊंगी. ये कबूतरी ने कहा था, अर्थात सी पिजन ने कहा था. सी पिजन किसको कहा था? उस फाउलर को कहा था, अर्थात अनुज को. अनुज को. व्हाट शैल आई डू इन योर एब्सेंस, मैं आपके अनुपस्थिति में क्या कर सकती हूं, ये कही थी सी पिजन ने. सी पिजन ने किससे? ये अननोन है. ये अननोन है. ये कब कहती है? जब उसके हस्बैंड आत्मदाह कर लेते हैं, उसके बाद वो जलते हुए दृश्य को देखकर ये मन में ही सोचती है, कहती है कि अब मैं आपके अनुपस्थिति में कैसे रह सकती हूँ. सो अननोन. डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? किसने कहा? डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? इन द होल स्टोरी वी डिड नॉट फाइंड दिस स्टेटमेंट, सो वी कांट आंसर इट. नाउ राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वोकैबुलरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है. वोकैबुलरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इज इट कमिंग क्लियर टोटली? ओके. वोकैबुलरी पार्ट. राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के एंटोनिम्स को लिखे. एंटोनिम्स क्या होता है? ये विपर्यार्थक शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं. देखते हैं. क्रूएल. क्रूएल मीन्स होता है क्रूर. अ पर्सन हैविंग नो गुड फीलिंग्स फॉर समवन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दूसरे के लिए अच्छी विचार नहीं होती, जो दूसरे के प्रति जिसको दया नहीं आता, उस व्यक्ति को क्रूएल कहते हैं, अर्थात क्रूर कहते हैं. इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड, यानी फुल ऑफ पिटी. जो व्यक्ति दया से भरा हुआ है वो काइंड कहलाता है. तो अपोजिट हो गया. क्रूएल मीन्स क्रूर और काइंड मीन्स दयालु. नेक्स्ट वर्ड इज नियर. नियर मतलब पास या नजदीक होता है. इसका एंटोनिम हो जाएगा फार. इसका एंटोनिम हो जाएगा एफ ए आर. फार मतलब दूर. फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मतलब दोस्त होते हैं. तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात एंटोनिम हो जाएगा इनेमी. इनेमीज हो जाएंगे. ई एन ई एम आई ई एस. इनेमीज. इनेमीज दुश्मन. इन या फिर हम फोज भी लिख सकते हैं. एफ ओ ई एस. फो मतलब दुश्मन होता है, तो फोज प्लूरल है, फ्रेंड्स है, इस वजह से इनेमीज या फोज होगा. इंक्रीज्ड. इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ा, बट इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज. क्या हो जाएगा? डिक्रीज. डिक्रीज. सेव. सेव मतलब बचाना.
तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, सॉरी हियर शुड बी द कैपिटल, सेव, सेव बचाना, एंटोनिम क्या हो जाएगा, अटैक, प्रहार करना, अटैक। डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पे, इसका एंटोनिम हो जाएगा डेफिनेटली, निश्चित तौर पे, अनसर्टेनली, अनसर्टेनली अनिश्चित तौर पे, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, डेफिनिटी नहीं है, अनसर्टेनली। पॉज प्लीज। नाउ वी विल डू द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ग्रामर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्पीच दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड दिस इज द ग्रामर पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर थ्रू सेक्रीफाइस। तो कंजंक्शन क्या होता है, शॉर्ट में मैं इसको बताने का कोशिश करता हूँ और आप लोग समझे इसको। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शंस जो होता है वो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। कंजंक्शंस कैसे शब्द होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, अर्थात ये दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, इस वजह से इनको जोड़ने वाले शब्द कहा जाता है। किस तरह से ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, मार्कर प्लीज, ब्लैक वन, यस हियर इट इज। व्हेन वी टॉक अबाउट सम कॉमन कंजंक्शंस, कुछ साधारण कंजंक्शंस की बात करें तो वो है एंड, बट, सो, बिकॉज और एंड सो ऑन। ये सारे कुछ कॉमन कंजंक्शंस है जिसका काम दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना है। और वी विल अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। ही इज पुअर, वन सेंटेंस एंड सेकेंड सेकेंड वन इज ही इज अनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है, वह गरीब है, वह ईमानदार है। एक ही व्यक्ति है जो गरीब भी है और ईमानदार भी है। इस सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे किसके सहारे, कंजंक्शन के सहारे, दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ेंगे। ही इज पुअर बट अनेस्ट, ही इज पुअर बट अनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। अब देखिए, हम लोग जब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कंजंक्शन इन ग्रामर, ग्रामर के बुक में जब हम लोग यूजेज ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं विशेष कर बताऊंगा कि एंड का यूज कहाँ होता है, बट का कहाँ, सो का, बिकॉज और एंड, सो मेनी कंजंक्शंस वी आर टू लर्न। बहुत सारे कंजंक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर में, उसमें एक एक करके सब के यूज को देखेंगे। बट फिलहाल मैं बता दूं अभी कि बट का यूज दो अपोजिट वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। जैसे देखिए यहाँ, पुअर और ऑनेस्ट, एक जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड का वर्ड है, ये पॉजिटिव टोन का वर्ड है, बट पुअर निगेटिव टोन का वर्ड है, तो ये अपोजिट हो गया।
अपोजिट को जोड़ने के लिए हमने बट का यूज किया, वैसे ही एंड जो होता है वो एक ही ग्रुप के एक ही मीन्स एंड ज्वाइंस द टू वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, एक समान रैंक के वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम एंड करता है, ठीक है। अब और क्या करेगा, ये अल्टरनेट को दिखाता है, और अल्टरनेट को दिखाता है, अल्टरनेट को दिखाता है मतलब क्या, ये विकल्प को दिखाता है कि या तो ये या वो। एक उदाहरण लेते हैं, यू शुड मीट द प्रिंसिपल और द इंचार्ज, तुम्हें प्रिंसिपल या इंचार्ज से मिलना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है, आप सोच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान मेरा कैसे होगा, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि यू शुड मीट द प्रिंसिपल और द इंचार्ज, आपको या तो प्रिंसिपल से या इंचार्ज से मिलना चाहिए। तो हमने और का यूज देखा, यानी ये अल्टरनेट को बताता है, या तो प्रिंसिपल या इंचार्ज। अब बोले यू कैन कम और गो, तुम आ सकते हो या जा सकते हो, ठीक है। एंड से देखते हैं, आई विजिटेड पटना एंड नालंदा ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। यहां पे एंड जो कनेक्टिव वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है, जो क्या करता है, दो इक्वल रैंक के वर्ड को जोड़ता है, पटना और नालंदा को, कि आई विजिटेड पटना एंड नालंदा ड्यूरिंग समर वेकेशन, अर्थात गर्मी के छुट्टी के दौरान मैं पटना और नालंदा घूमने गया। एक बिकॉज का यूज देखते हैं, बिकॉज ही इज एब्सेंट because he is absent from cold. बोले वह अनुपस्थित है क्योंकि वह सर्दी से परेशान है, अर्थात उसे ठंड लग गई है, इस वजह से वो एब्सेंट है। ही इज एब्सेंट बिकॉज, ये बिकॉज जो कंजंक्शन है, ये भी एक कनेक्टिव, ये जो कनेक्टिव वर्ड है, ये कैसे वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये कारण परिणाम बताता है। कारण परिणाम, क्या कारण है जिस वजह से वो एब्सेंट है, तो कारण ये है कि वह उसे ठंड लग गई है। नाउ सो I invited my all friends, मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया था, so they come to my house on my birthday। देखेंगे सेंटेंस, I invited my all friends, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, they come to my house on my birthday, मेरे जन्मदिन पे वो सबके सब आए। तो क्यों आए,
दे कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, जो मेरे बर्थडे पे वो लोग आए, क्यों आए, बिकॉज आई इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स, मैंने सारे दोस्तों को बुलाया था, इसलिए या अतः वे लोग मेरे जन्मदिन पर आए। तो ये हम लोगों ने कुछ कॉमन कंजंक्शंस को देखे हैं। अब आपका कार्य रहेगा, आपका ये होमवर्क होगा कि आप दिए गए जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कंजंक्शंस, इसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब इसमें जो कंजंक्शंस आपको दिखता है उसको अंडरलाइन कर देना है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आसान है, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कंजंक्शंस, इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। जैसे द स्काई वॉज क्लाउडी, आई रिटर्न्ड होम अर्ली, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि द स्काई वॉज क्लाउडी सो आई रिटर्न्ड होम अर्ली। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। इन ए और बी सेक्शन में, दो सेक्शन में जो ये कंजंक्शन के क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। और जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है उनको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।